हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश। आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप फेक जॉब ऑफर्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो लोग कंटिन्यू कुछ ना कुछ ईमेल भेजते रहते हैं कि सर ये वेरीफाई कीजिए कि जो ऑफ़र लेटर उनको मिला है वो जेन्युइन है या फिर फेक है। तो इस तरीके से मैंने कई लोगों के मेल का रिप्लाई किया है आइडेंटिफाई करने के बाद, और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाकर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे आप जो फेक जॉब ऑफर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे जो आपको नीचे बॉटम में सब्सक्राइब का रेड बटन दिखेगा उसको आप सब्सक्राइब क्लिक कर लें, सब्सक्राइब हो जाएगा आपका, और जो बेल आइकन बना हुआ है उसको दबा लें ताकि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज दोस्तों बात करेंगे हम कि फेक जॉब ऑफर्स। जैसे आपको पता है कि फेसबुक पूरा उसी से भरा हुआ है कि फेक जॉब ऑफर्स जो हैं आजकल हर घर में कुकुरमुत्ते की तरह एजेंट उग गए हैं। हर घर में एजेंट है, ठीक है। और मैं उन सारे लोगों को इन सब चीज़ों से अवेयर करना चाहता हूँ जो लोग किसी एजेंट के चक्कर में पड़कर अपना जो घर का पैसा है, सेविंग है घर की, किसी की बहन की शादी होनी है कि, बट वो क्या होता है कि जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में आप एजेंट के चक्कर में पड़ के अपना सारा पैसा ख़राब कर देते हैं, फिर घर की कंडीशन ख़राब होती जाती है, फिर इस तरीके से आपके हालात भी ख़राब होते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ ऐसा कुछ हो। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपका एक एग्ज़ाम्पल आपको दूंगा, ठीक है, और उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, हमारे एक व्यूअर थे, अब देखिए उनका ये जॉब ऑफर आया, ठीक है। देखिए ये एम्प्लॉयमेंट ऑफर है, ठीक। ये देखिए आप 300 कैनेडियन डॉलर का ऑफर आया था उनको 15 डेज के अंदर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से आपको। बट यहाँ पे देखिए वर्किंग कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए जिस कंपनी ने इनको जॉब ऑफर भेजा हुआ है, ये कंसल्टेंट हैं, ठीक है, एज रिक्रूटर्स। अब इनका जो एड्रेस है ये तो यूएसए का एड्रेस है, बट ये डील कर रहे हैं कनाडा में, ठीक है। अब इन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है, easysourcing.com, career@easysourcing.com, ठीक है। अब जहाँ तक मैंने इसको वेरीफाई किया है, ये यूएस के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, बट ये आदमी इंडिया से ऑपरेट कर रहा है इस वेबसाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आप इस वेबसाइट के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये है easysourcing.com, ओके, याद रखिए इस वेबसाइट का ये नाम है easysourcing.com, ओके। अब ये देखिए बी, यहाँ पे इन्होंने अपना भी एक वो दिया हुआ है, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ फ्रॉड्स हु टेक मनी ऑन योर आवर नेम, वी डू नॉट चार्ज मनी फॉर रजिस्ट्रेशन और जॉब फ्रॉम कैंडिडेट्स, ठीक है। बट ये बैकग्राउंड में आपसे जॉब के लिए पैसे ले रहे हैं, ठीक है। हमारे क्लाइंट से इन्होंने पैसे के, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे इन्होंने पैसे के लिए बोला है। चलिए हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे आपको, आप खुद भी कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम आपको पता है, आप इधर जाइए, ये वेबसाइट है हु इज़, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, आप इस वेबसाइट को ध्यान से नोट कर लीजिए, whois.com, ठीक है। जब आप यहाँ पे वेबसाइट का नेम डालेंगे, जो भी वेबसाइट से आपको ईमेल आ रखी है, ठीक है, यहाँ पे आपने टाइप किया, इसके बाद आप सर्च कीजिए। सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा, रजिस्ट्रार है बिग रॉक सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है, ये इंडिया की वेब होस्टिंग कंपनी है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है 21 सितंबर को 2017, ठीक है, और उसके बाद से इन्होंने लोगों को फेक जॉब ऑफर्स भेजने शुरू किए हैं, ठीक है। अब देखिए, कंट्री यूएसए, रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये यूएस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, देख लीजिए आप, बट कंपनी इंडिया से ऑपरेट हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, क्या लोचा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जिस कंपनी से आपको जॉब ऑफर आ रहा है वो कितनी पुरानी है, कितना उसका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, कितने टाइम से मार्केट में है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी की वैल्यू पता चलती है, कंसल्टेंट की वैल्यू पता चलती है, और लोग उस पर कितना ट्रस्ट करते हैं,
ठीक है। और आप कंपनी के बारे में गूगल में जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप चेक करेंगे तो उसमें आप टर्म डालिए कि सपोज ABC कंपनी कंप्लेंट्स, ठीक है, ऐसे करके सर्च कीजिए तो आपको कंज्यूमर फोरम में आपको बहुत सारे कंप्लेंट्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट जो फ्रॉड लोग होते हैं उनकी डिटेल्स, उनके बारे में कुछ कोई ना कोई लोग जो लोगों से पीड़ित होते हैं वो लोग गूगल में इसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं ताकि किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कोई गलत काम ना हो, ठीक है। उसी तरीके से आप ये दूसरी वेबसाइट है whois.net, ठीक है, इसमें आप अपनी जिस भी कंसल्टेंट के बारे में जानना चाह रहे हैं उसका ईमेल आईडी का अगर कंपनी का है, ठीक है, तो ये डाल दीजिए, उसके बाद आपको शो हो जाएगा सब कुछ, ओके। तो ये तो था एक टेक्निकल मेथड कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें। और अगर कंसल्टेंट की तरफ से आपको ईमेल आ रहा है, ओके, और सपोज हम इजी सोर्सिंग की बात करते हैं, अगर आपकी आपको इनका ईमेल आया कि आप, अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस बंदे को ये ऑफर लेटर आया है कनाडा का, उसमें क्या है कि उसने कभी अप्लाई भी नहीं किया था कनाडा के लिए। अब कहाँ से उन्होंने उसकी ईमेल आईडी उठाई, कहाँ से उन्होंने उसकी डिटेल उठाई, किसी न किसी हम जॉब पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करके वो लोग आपका CV उठा लेते हैं, देन उस अपना जो उनका फॉर्मेट है उसको रिफ्रेश करके फिर आपको आपके ईमेल पे जॉब ऑफर भेज देते हैं। अब क्या होता है कि ये लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ये लोग आपसे पैसा तो ले लेते हैं। जैसे कैसे लेते हैं पैसा इनका, देखिए ट्रिक क्या है, आपको बहुत लंबा चौड़ा ऑफर लेटर भेजेंगे, उसके बाद आपसे बोलेंगे कि यू नीड टू रजिस्टर, वी नीड मनी फॉर योर वीज़ा रजिस्ट्रेशन। अब देखिए जो कंपनी आपका पूरा टिकट का, आपका रहने का, खाने पीने का सारा खर्चा उठा रही है, ठीक है, और क्या वो कंपनी $200-300 का आपका वीज़ा नहीं लगवा सकती? ये भी ध्यान देने वाली बात है, सोचने वाली बात है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, जो ये टारगेटेड एजेंट हैं, ठीक है, जो चालाक एजेंट है, ये क्या करते हैं, जिनको एक शॉट में पैसा कमाना है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इन्होंने 100 क्लाइंट पकड़ लिए, 100 क्लाइंट में से इन्होंने अगर सपोज 10 क्लाइंट भी टर्न किए, मतलब कन्वर्ट किए, तो ये लोग हर क्लाइंट से अगर $200 भी लेते हैं, $500, 50,000, 1 लाख रुपए ले लिए इन्होंने सपोज कनाडा के नाम पे, उसके बाद आदमी के साथ फ्रॉड हो जाता है, ये लोग भाग जाते हैं, 10 लाख रुपए हो गए, भाग गए किसी दूसरे नाम से, फिर उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है कि छोटा छोटा अमाउंट करके बहुत बड़ा अमाउंट अपने लिए बना लेते हैं, लेकिन बीच में फंसता कौन है, हम जैसे, आप जैसे लोग, एक नॉर्मल पर्सन ही इसमें फंसता है जो कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, ठीक है, मिलता रहता हूँ डेली, कोई ना कोई मुझसे मिलता है और बताता है कि सर हम किस तरीके से दुबई आए, या फिर किस तरीके से हम कनाडा USA में जॉब कर रहे हैं, हमको कैसे फंसाया गया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि एजेंट आपके पासपोर्ट रख लेता है, देन आपसे पैसे की डिमांड करता है, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी एजेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं और आपका पासपोर्ट फंसा हुआ है, तो डायरेक्टली आप उसका जो डिटेल्स है वो रिकॉर्ड कर लीजिए, कॉल्स रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है, और उसका हो सके तो उसका फ़ोटो ले लीजिए, देन आप पुलिस में कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि जो भी फ्रॉड लोग हैं इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ताकि कल के दिन किसी और का घर ये बर्बाद ना कर सकें। तो ये तो था एक टेक्निकल मेथड, आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए, अब एक चीज़ और है मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये। अब एक फ्रेंड है हमारे, उनको एक मैरियट होटल एंड रिजॉर्ट्स कनाडा से ऑफर लेटर आया था, ठीक है। अब उनको ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भेजा गया है कंपनी की तरफ से, देखिए इसमें कितना अच्छा फॉर्म बना रखा है ये, दिखने में कैसा है, अगर कोई न्यूबी है, नया बंदा है, तो उसको लगेगा यार ये सारी चीज़ें तो वीज़ा फॉर्म में मांगी जाती हैं, और ये डिटेल्स वो भर के भेज देगा। अब देखिए यहाँ साइन सिग्नेचर, ना कंपनी का एड्रेस है, ना कोई डिटेल है, क्या है मतलब ये, ठीक है। और दूसरा इसका वो देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे इनकम, ना कंपनी की कोई वेबसाइट है, देखिए एड्रेस उन्होंने कहीं का उठा दिया है गलत, सरत एड्रेस अल्बर्टा कनाडा, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये पता नहीं किसी अंग्रेज का नाम इसमें डाल दिया, किसी अमेरिकन या कैनेडियन का नाम इसमें डाल दिया, रोनी कैडवेल का नाम डाल के इसमें, ना इनका कोई डिटेल है, ना वेबसाइट का नाम है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, जो कंपनी आपको हायर कर रही है वो एक प्रॉपर तरीके से आपको ईमेल करती है। अब देखिए ईमेल फॉर्मेट क्या होता है, अब ये देखिए, एक हमारे फ्रेंड को ये ईमेल आया था, उन्होंने मुझको ये अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, देखिए अब ये देखिए
सोशल वर्कर एट कंसल्टेंट डॉट कॉम। कंसल्टेंट डॉट कॉम कौन सी कंपनी है भाई? या फिर इंटर ट्रेवल्स सोशल एट द रेट सोशल वर्कर डॉट नेट कौन सी कंपनी है? ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे ईमेल्स हैं, ठीक है, रेफरेंस कोड नंबर ब्ला 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 ये सब डाल रखा है, और उसके बाद ये आपको अपनी डिटेल्स, वीज़ा फॉर्म एंड ऑल दैट, सारी डिटेल सब चीज़ें फिल करने को बोलेंगे, देन आपसे एक मोटा रकम जमा करवा लेंगे। ख़ास तौर पे फेसबुक में तो ये बाढ़ आ रखी है ऐसे एजेंट्स की, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, या फिर हमको मेड की ज़रूरत है, नैनी की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसे जो ड्राइवर्स की ज़रूरत है, हाउसकीपर की ज़रूरत है, और ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं कि 3,000-4,000 डॉलर सैलरी है, आपका रहना खाना पीना सब कुछ है, और देन आपने क्या करना है कि आपने हमारे एक एजेंट से मिलना है, दिल्ली में वो एजेंट है या फिर बेंगलोर में वो एजेंट है, वो उसको आपने $300 सबमिट करवाने ताकि वो वीज़ा का प्रोसेस आपका स्टार्ट कर दे। अबे आदमी पागल है क्या? जब आप 3,000-4,000 डॉलर दे रहे हो उसका वर्क परमिट के लिए पैसे वो कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ आप उसका बेयर कर रहे हो, एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हो, तो $300 का आप वीज़ा फी सबमिट नहीं कर सकते? तो दोस्तों ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो जाएं, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में पड़कर अपना पैसा वेस्ट ना करें प्लीज़। अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हैं, अगर आप कनाडा नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप के पास पैसे की कमी है, या फिर अमेरिका नहीं जा पा रहे पैसे की कमी की वजह से, तो आप सिंपल सी एक UAE चले जाइए, दुबई चले जाइए, कहीं और चले जाइए जहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे आप फ्री में विदाउट एजेंट जॉब ले सकते हैं, आपको कैसे जॉब मिल सकती है दुबई में, ठीक है, तो आप वो मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर एडवाइस देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको एडवाइस देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी कहीं से कुछ उठा के आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, बट किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़कर प्लीज़ अपना हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना करें, अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट ना करें, ठीक है, उस मनी से आपका अच्छा करियर बन सकता है। अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हैं तो आप मुझे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किस फील्ड से हैं और कहाँ पैसा कमाना चाहते हैं, मैं उसके लिए आपका स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए मैं बता दूंगा कि पर्टिकुलर किस सेक्शन में, किस सेक्टर में आप आपके अपने एजुकेशन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत आगे चले जाते हैं, ठीक है, बेटर है कि देखिए कनाडा एक ड्रीम है सबके लिए, अमेरिका एक ड्रीम है, बट वहाँ के हालात आपको पता है, लाइफ बहुत फास्ट है, टैक्सेस आपको मार देंगे, ठीक है, और अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप लेबर जॉब में फार्मिंग में जा रहे हैं तो फिर आपका बहुत हार्ड हो जाएगा, और ऊपर से आप एजेंट को पैसे देकर जा रहे हैं तो पता नहीं कब आप पैसा अपना रिकवर करेंगे और कब पैसा कमाएंगे, ठीक है, ये सिर्फ ड्रीम है कनाडा, बट अगर आप प्रॉपर एजुकेटेड हैं, ठीक है, एक स्किल्ड वर्कर में जाते हैं तब आप वहाँ पे जाकर अच्छा खासा अपना पैसा भी कमा सकते हैं और वहाँ के अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं। देखिए पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी है, ठीक है, आपके फ्यूचर कैसा होना है, आपके बच्चों का फ्यूचर कैसा होना है, तो उस पर आपने बात ध्यान रखनी है बातें। पैसा ही कमाना है तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में क्यों आ रही हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो अगर आप छोटा सा भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो आपका बिजनेस एक दिन ग्रो कर जाएगा और आपके अंदर ऊपर जाने की क्षमता है तो आप आराम से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपने फेक जॉब ऑफर्स को आइडेंटिफाई करना है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपने जो कैनेडियन कंसल्टेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर गाइज़।